एन वाई एस बार्च ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं तो जो भी आपने थंबनेल में देखा है वो सब हम एक एक करके इस वीडियो में कवर करने वाले हैं तो सबसे पहले नेचुरोपैथी व्हाट इज नेचुरोपैथी नेचुरोपैथी इज अ सिस्टम ऑफ नैचोपैथीटिव मेडिसिन ऑल्टरनेटिव मेडिसिन है सो बेसिकली नेचुरोपैथी इज अ सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज दैट अवॉइड ड्रग्स मेडिसिन और सर्जरी ये एक ऐसा सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट है uh, जिसमें किसी भी मेडिसिन या सर्जरी की जरूरत नहीं होती कुछ टेक्निक्स होते हैं उस टेक्निक्स की हेल्प से आपको किसी भी डिसीज पर्सन को ट्रीटमेंट प्रोवाइड की जाती है जैसे वो टेक्निक्स क्या हो सकता है कंट्रोल ऑफ डाइट मसाज एक्सरसाइज फिजियोथेरेपी रिफ्लेक्सोलॉजी या ऑस्टोपैथी जैसी टेक्निक्स को यूज़ किया जाता है किसी भी डिसीज पीपल को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने के लिए तो बेसिकली नेचुरोपैथी में बास्ट ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस में नेचुरल तरीके से किसी भी डिसीज पर्सन को ट्रीटमेंट प्रोवाइड की जाती है सो इट इज़ अ बेसिकली शो वे ऑफ हीलिंग जिसमें कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं तो सबसे पहले मैं आपको ड्यूरेशन बता देती हूँ बैच ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस टोटल साढ़े पांच साल का कोर्स है जिसमें से आपका एक साल का कंपलसरी इंटर्नशिप होता है मतलब साढ़े चार साल का आपका एकेडमिक सेक्शन होता है और एक साल का इंटर्नशिप ओके सो काफी इंटरेस्टिंग कोर्स है ये जिसमें आपको एक्सरसाइज रिलेटेड योगा रिलेटेड चीज आपको पढ़ने के मिलता है इसमें आपको मॉडर्न मेडिसिन तो आप पढ़ते ही हो साथ ही साथ आप नेचुरोपैथी मेडिसिन को भी कंबाइन करके स्टडी करते हो तो मेनली इसमें आपका सेवेंटी एमबीबीएस कोर्स से रिलेटेड होता है सिमिलर होता है तो आप सेवेंटी परसेंटेज जो एमबीबीएस में पढ़ते हो वो आप नेचुरोपैथी में भी नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस में भी स्टडी करते हो उसके अलावा तीस परसेंट जो आपका नेचुरोपैथी से रिलेटेड होता है वो होता है बैच ऑफ नेचुरपैथी एंड योगिक साइंस एंड के बी एन वाई एस कोर्स जब से आयुष डिपार्टमेंट के अंडर में आया है, तब से इसका काफ़ी प्रोग्रेस इसमें काफ़ी प्रोग्रेस देखने को मिला है और ये आने वाले समय में इसकी काफ़ी डिमांड होने वाली है तो अगर आप सोच रहे हो अभी इस कोर्स को करने के लिए तो ज़रूर कीजिए क्योंकि आगे के चार साल पाँच साल के बाद इसकी जो डिमांड है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी ओके जब आप बी एन वाई एस कोर्स को कम्प्लीट कर लेते हो टोटल साढ़े पाँच साल तो उसके बाद आप अपने नाम के आगे यानी कि आप एज अ प्रिफिक्स डॉक्टर यूज कर सकते हो एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो अफकोर्स बायो स्टूडेंट ही इस कोर्स को कर सकते हैं तो अगर आपने क्लास ट्वेल्थ में पी uh, या पी स्ट्रीम चूज़ किया है और एटलीस्ट फिफ्टी परसेंटेज से आपने पास आउट किया है तो आप बी एंड वाई एस कोर्स को कर सकते हो लेकिन कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज आपके क्लास uh, ट्वेल्थ में हो लाइक सिक्सटी सेवेंटी परसेंटेज एटलीस्ट होने चाहिए क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ में डायरेक्ट एडमिशन होते हैं तो वो मेरिट लिस्ट के बेसिस पे एडमिशन्स लेते हैं तो वो आपका जो ट्वेल्थ में जो परसेंटेज है तो उसके बेसिस पे तो ये इंपॉर्टेंट है और जो भी यू नो टॉप लेवल के एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं तो वहाँ पे भी कुछ क्राइटेरिया होती है जिसे आपको फुलफिल करनी होती है बेसिकली आपका परसेंटेज अगर कम है तो आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दे भी नहीं पाओगे चलिए एडमिशन प्रोसेस की बात करते हैं तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि एंट्रेंस एग्ज़ाम के, के बेसिस पे ज़्यादातर इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी एडमिशन्स लेते हैं तो सबसे पहले जो एंट्रेंस एग्जाम

एंट्रेंस एग्जाम नेक्स्ट है एंट्रेंस एग्जाम के इसके अलावा भी एंट्रेंस एग्जाम्स होती है गर्स अगर आप सिलेबस चेक करना चाहते हो तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा उस लिंक को आप विजिट करो और वहां से आप पूरा सिलेबस देख सकते हो ओके फीस की बात करते हैं कैस फी कॉलेज टू कॉलेज वैरी करती है और जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट या कॉलेजेस है वहाँ की फ़ी बी एन एस वाई कोर्स की बहुत ज़्यादा होती है कम्पेटिवली गवर्नमेंट कॉलेजेस के तो यहाँ पे हम कुछ कॉलेजेस देखेंगे और उस कॉलेज की फ़ीस कितनी है वो भी देखेंगे ताकि आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कौन सा कॉलेज कितना फ़ी ले रही है ठीक है और एक बेसिक अगर हम आपको फ़ी बता दें तो एक से तीन लाख मिनिमम एक से तीन लाख का जो फी है पर ईयर वो आपको पे करना होता है तो चलिए देखते हैं कॉलेजेस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो कि वाराणसी में है एस कॉलेज ऑफ नेचुरोपैथी एंड यौगिक साइंसेस कनाडा में है और यहाँ पे फी है 28,600 पर एनम ये एक साल की फ़ी है नेक्स्ट है सी यूनिवर्सिटी जो कि मेघालय में है और बी कोर्स की फ़ी है टू लाख नेक्स्ट डॉक्टर एन टी आर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस विजयवाड़ा में है और यहाँ पे सिक्सटी थाउजेंड पर एन एम बी एन एस वाई कोर्स की फी है डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्ण राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जो कि जोधपुर में है और इस यूनिवर्सिटी की फी है फोर्टी थाउजेंड नाइन हंड्रेड नेक्स्ट जगन्नाथ यूनिवर्सिटी जयपुर यहाँ पे भी आपकी अराउंड वन लाख पर एन की फी है बी एन कोर्स के लिए नेक्स्ट श्याम यूनिवर्सिटी जो कि राजस्थान में है और इस यूनिवर्सिटी में नाइन्टी थाउजेंड पर ईयर की फी है नेक्स्ट जे एस एस अकेडमी ऑफ हाई एजुकेशन एंड रिसर्च और इस कॉलेज की फी है थर्टी नाइन थाउजेंड थ्री हंड्रेड फोर्टी रुपीज पर ईयर हायर एजुकेशन की बात करते हैं तो बच्चो ऑफ नैचोपैथी एंड योगिक साइंसेस को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद आप एम पी एच मास्टर इन पब्लिक हेल्थ कर सकते हो एम एच ए मास्टर इन हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हो आप एम डी कोर्सेस कर सकते हो एम डी इन आप नेचुरोपैथी मेडिसिन से कर सकते हो या फिर योगा एंड रिहैबिलिटेशन से कर सकते हो योगा से एमएससी कर सकते हो या, या फिर एमएससी इन योगा एंड मैनेजमेंट कर सकते हो एमएससी इन योगा एजुकेशन या फिर एमए इन योगा कर सकते हो अगर आपको मैनेजमेंट कोर्स करना है तो आप उसके लिए एमबीए कोर्सेज कोर्सेस कर सकते हो लाइक एम इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट एम बी ए इन हेल्थ केयर मैनेजमेंट कर सकते हो इसके अलावा डिप्लोमा कोर्सेज पी जी डिप्लोमा कोर्सेज़ होते हैं पी जी डिप्लोमा इन योगा एंड थेरेपी से कर सकते हो ठीक है तो ये कुछ ऐसे कोर्सेज हाई एजुकेशन में हैं जो आप कर सकते हो करियर की बात करते हैं तो बी एन एस वाई कोर्स कम्प्लीट हो जाता है आपका इंटर्नशिप कम्प्लीट हो जाता है तो उसके बाद आप एज अ जनरल फिजिशियन प्रैक्टिस कर सकते हो या फिर आप नेचुरोपैथी एज वेल एज मॉडर्न मेडिसिन में आप प्राइमरी हेल्थ केयर प्रैक्टिस कर सकते हो आप प्राइवेट जॉब या फिर गवर्नमेंट जॉब कर सकते हो बेसिकली जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं वो आपको एज अ नेचुरोपैथी डॉक्टर अपॉइंट करते हैं इसके अलावा आप नेचुरोपैथी थेरेपिस्ट या फिर पैराक्लिनिकल स्पेशलिस्ट न्यूट्रिशन एंड डाइट स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर या मेडिकल कंसल्टेंट बन सकते हो या फिर आप आयुष प्रैक्टिशनर या आयुष प्रोफेसर बन सकते हो ठीक है तो आप लेक्चरर बन सकते हो किसी भी मेडिकल यूनिवर्सिटी या मेडिकल कॉलेज में आप एज अ प्रोफेसर नेचुरोपैथी प्रोफेसर वर्क कर सकते हो ठीक है तो आप टीचिंग कर सकते हो बेसिकली इसके अलावा आप योगा ट्रेनर बन सकते हो किसी भी योगा इंस्टीट्यूट को या फिर योगा सेंटर जो होते हैं उसको ज्वाइन कर सकते हो बहुत सारे आपके पास ऑप्शन होते हैं आप अपना खुद का क्लिनिक स्टार्ट कर सकते हो अगर आपके पास मार्केटिंग की नॉलेज है आपके पास प्रैक्टिकल स्किल है इस कोर्स को लेके तो आप बहुत इजीली इस मार्केट में एग्जिस्ट कर सकते हो आप अगर अपना खुद का क्लिनिक भी स्टार्ट करते हो तो उसमें अगर आपके पास मार्केटिंग नॉलेज है स्पेशली डिजिटल मार्केटिंग का तो आप बहुत इजीली पेशेंट को अप्रोच कर पाओगे ठीक है तो इससे आपका जो मार्केट है यानी कि आप जो स्टार्ट करो उसे बहुत ईजीली यू नो फैला सकते हो ठीक है तो उससे बहुत अच्छा खासा अर्न हो सकता है तो जितने भी मैंने आपको प्रोफाइल्स बताए हैं इन सब के अलावा आप ऑनलाइन क्लासेस भी कर सकते हो आजकल इसका बहुत ट्रेंड है ठीक है एंड आप अपना भी खुद का यूट्यूब स्टार्ट कर सकते हो अगर आपके पास अच्छी खासी नॉलेज है तो आप अपने नॉलेज को यूट्यूब पे यू you नो know, फ्री ऑफ कॉस्ट में आप लोगों तक पहुँचा सकते हो ठीक है आप आयुर्वेदिक क्लिनिक को भी ज्वाइन कर सकते हो रिहैबिलिटेशन सेंटर योगा थेरेपी सेंटर या फिर कोचिंग सेंटर्स को ज्वाइन कर सकते हो तो बहुत सारे नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है आपके पास सैलरी की अगर बात करें तो सैलरी आपकी बहुत अच्छी होती है इस फील्ड में जितना भी आप इन्वेस्ट करते हो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आपका बहुत अच्छा होता है तो अगर हम एकदम बेसिक सैलरी की बात करें इनिशियल लेवल पे जो आपकी सैलरी होती है वो कम से कम ट्वेंटी थाउजेंड होती ही है